Guys, assalamu alaikum. My name is Adil Asif and today I'm going to explain my new lecture that is about conjunction and its types. In my previous lecture, I basically told you about the conjunction, its definition and some examples, just to clear you the basic concept of the topic. But in this lecture, I will tell you about its types. As I wrote here, the definition, words which join two words, phrases, clauses and sentences. इसका मतलब ये है कि ऐसे अल्फाज जो कि दो अल्फाजों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, ऐसे अल्फाज को हम कंजक्शन कहते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। जो पहली है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये जो कंजक्शन लिखे हैं, इसको आसानी से याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसकी जो कोडिफिकेशन की गई है फैन बॉयज़ के नाम से, आप वो याद कर लें और आपको इजीली आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे एफ़ से फॉर, ए से एन, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। तो ये चंद एक वो कंजक्शन हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। और इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम चंद अल्फाज के साथ आपस में मिलाते हैं इन कंजक्शन का इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि मैं एक चंद एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई वुड लाइक टू ईट एप्पल एंड मैंगो। अब ये सेंटेंस में देखें, अगर आप गौर करें, आई वुड लाइक टू ईट एप्पल, यहाँ तक ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कम्प्लीट सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को या इस क्लॉज को मैं आप किसके साथ मिला रहा हूँ, एंड मैंगो के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एक सेंटेंस मिल गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने एक वर्ड के साथ मिला दिया और कंजक्शन क्या इस्तेमाल किया, एंड का इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में बट का कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क, ये जो सेंटेंस है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन इसके बाद जितने भी हिस्सा जो बट कंजक्शन से शुरू हो रही है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि बट कंजक्शन से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से दो जो क्लॉजेस हैं आपस में मिल रही हैं, किसके ज़रिए, बट कंजक्शन के ज़रिए। तो इस तरीके से ये कम्प्लीट सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है जो टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मैंने जितने भी ये कंजक्शन लिखे हुए हैं, ये मैंने पेयरिंग की हुई है और ये इसकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है उसकी टाइप्स में है। जैसे कि देन और वेयर एज है, ये तब हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं जब हमने कंपैरिजन करना हो। आफ्टर, व्हेन एवर, अनटिल, ये टिल, ये ऐसे कंजक्शन हैं जब हमने टाइम को प्रेजेंट करना हो। दो, ऑल दो कंसेशन को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हु, विच, डैट रिलेटिव कंजक्शन होते हैं जो कि रिलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं किसी नाउन को या किसी भी सब्जेक्ट के साथ। बिकॉज, डैट्स वाई, ऐसे कंजक्शन हैं जो कि रीजन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इफ़, ओनली इफ़, ये वर्ड्स जो हैं बताते खुद आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कंडीशनल हैं, जब हमने कंडीशनल कोई बात करनी हो, ठीक है। तो इस तरह में जैसे कि हु, विच, डैट में से किसी एक एग्जांपल देता हूँ आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट आइडिया आपको क्लियर करने के लिए। मैं कहता हूँ आई नो अ पर्सन हु इज़ माई फ्रेंड, कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो कि मेरा दोस्त है। अब मैं कह रहा हूँ आई नो अ पर्सन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसको रिलेट कर रहा हूँ हु के साथ। अब मैं आई नो अ पर्सन, इस पर्सन की डिटेल कौन बता रहा है, हु, ठीक है, हु इज़ माई फ्रेंड, जो कि मेरा दोस्त है। तो इस तरीके से इसमें एक सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसकी एक पहचान ये भी है कि हम उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आपस में मिला रहे होते हैं। तो इसी तरीके से डैट का भी है, विच का भी है, बिकॉज हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने रीज़न करनी हो। जैसे मैं कहता हूँ आई कुडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, कि मैं स्कूल ना जा सका क्योंकि मैं बीमार था। तो अब आपने क्या किया कि आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इस्तेमाल किया या उनको मिलाया, लेकिन किसका इस्तेमाल करते हुए, बिकॉज कंजक्शन का इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी टाइप है कोरिलेटिव है। जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं वो ऐसे कंजक्शन होते हैं जो कि पेयर में आते हैं, एक ही सेंटेंस में दो कंजक्शन का इस्तेमाल होता है और पेयर में आते हैं। जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट, बोथ एंड, ठीक है। जैसे कि आइदर और का मतलब होता है जब एक सेंटेंस में आप उर्दू में दो दफ़ा या का इस्तेमाल करना चाहें तब आप आइदर या और का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हैं आई वुड लाइक टू गो आइदर मार्केट और सिनेमा, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो आप उसमें दो दफ़ा या का इस्तेमाल करें, आप कह रहे हैं कि या तो मैं मार्केट जाना चाहूँगा या फिर सिनेमा।
तो अब दो दफ़ा जो यार इस्तेमाल करें उनके लिए दो दफ़ा के इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आयदर पहले वाले जो इसका रोल ये होता है कि जो पहले वाला या होता है उर्दू के सेंटेंस में उसके लिए आप आयदर का इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरा दफ़ा जो या का इस्तेमाल होता है उसके लिए आप और का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप नाइदर और नॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। नाइदर नॉर का दोनों का मतलब नहीं होता है, लेकिन आप इस्तेमाल क्या करते हैं, जो पहला वाला सेंटेंस में नहीं होता उसके लिए आप नाइदर का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा दफ़ा जो नॉर होता है नहीं होता उसके लिए आप नॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जो बाकी जो कंजक्शन आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने जस्ट आपको कंजक्शन की टाइप्स के बारे में बताया है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं मज़ीद डिटेल में बताऊं, अगर आपको इससे आपका जो कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट है वो अगर आपको क्लियर नहीं होता तो मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो भी आपके लिए बना सकता हूं जिसमें मैं आपको हर एक कंजक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट लाजमी करूँगा क्योंकि जो ग्रामर होती है वो स्किल्स बेस्ड होती है, तो ये तभी आती है जब आप उसकी ड्रिलिंग करते हैं, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपको लाजमी ये सजेस्ट करूँगा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपको ग्रामर आएगी, ठीक है। ये जो मेरा लेक्चर होता है या कोई भी जो आपका टीचर जो होता है जो आपको गाइड करता है उसने जैसे आपको गाइड करना होता है, उसके बाद जो आपने एक्चुअली उसकी प्रैक्टिस करनी होती है वो मायने रखती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी जो आपको उतना ही अच्छा जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं अदील आसिफ ऑफिशियल के नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अदील आसिफ उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।